जल्दी जल्दी फिर से मुलाकात होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। ये लो, इसीलिए इतनी दूर तुम सिर्फ ये देने के लिए आई, इसकी क्या जरूरत थी, बाद में भी ले सकता था। अभिनव मैं तुमसे मिलना भी चाहती थी। शेफाली ये पैसे तुमसे लेते वक्त बहुत बुरा लग रहा है मुझे। कहां से लाए तुम इतने सारे पैसे? उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे बैंक में बहुत सारे पैसे हैं, वहीं से लाए। थैंक्स, बहुत काम आएंगे मेरे ये पैसे। अभिनव मेरी मम्मी आई थी तुमसे मिलने। तुम पागल हो गई? अरे इतना कुछ होने के बाद वो क्या मुझे कभी फोन करेगी या मुझसे मिलने के लिए आएगी या मैं उसे मिलने के लिए जाऊंगा कभी? कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछो? मुझे बहुत डर लगता है, I'm very paranoid। मैं हर रात को यही सपना देखती हूँ कि मेरी मम्मी तुम्हें मुझे दूर ले जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा शेफाली। ये ना, जब पंछी एक बार पिंजरे से उड़ जाता है तो वो उस पिंजरे में वापस लौटकर कभी नहीं आता। लेकिन मेरी मम्मी जाल बिछाने में माहिर है। और मैं जाल काटने में माहिर हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी मम्मी की नजरों में मैंने जो काम किया है उसके लिए वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है अमिना। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं जया की जिंदगी में वापस लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। यानी तुम हमेशा के लिए मेरे रहोगे? फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं मौजूद हमेशा रहूंगा। कभी तुम्हारा बाप बनकर तो कभी तुम्हारा भाई बनकर। अभी मुझे तुम्हारे बाप प्लीज शिवानी। प्लीज अभिनव। देखो शेफाली, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अभिनव मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे करीब आने से तुम मुझे क्या नुकसान पहुंचाओगे? अभिनव प्लीज। कम ऑन शेफाली, कम ऑन। चलो अब तुम अपने घर वापस जाओ। इतनी देर तक किसी आदमी के घर में रहना अच्छी बात नहीं होती है। नहीं अभिनव, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे करीब रहना। मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगी, तुम्हारा घर साफ करूंगी। अच्छा चल, अब एक अच्छी बच्ची की तरह तुम अपने घर वापस जाओ। अच्छा, मैं वापस कब मिलने आऊं तुमसे? बहुत जल्द। इनफैक्ट जब तुम्हारा दिल करे तब। लेकिन अब हम यहां नहीं मिलेंगे, तुम यहां नहीं आओगे, क्योंकि किसी ने तुम्हें यहां से देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब भी तुम्हारा मुझसे मिलने को दिल करे तो मुझे फोन कर देना, हम कहीं बाहर मिलेंगे। ठीक है? ठीक। ओके चलो, तुम जाओ। उससे पूछ लेना, वो निकाल के दे देगी। ओ, तो मिस्टर रवि नायर तुम्हारे पास ही बैठे हुए हैं? हाँ, तुम्हें मेरा ख्याल तो आया नहीं होगा, और कैसे आता, क्योंकि इस वक्त तुम और रवि दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो हमारी जोड़ी कितनी अच्छी है। फिर मेड फॉर ईच अदर कपल। ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है प्रीति? क्या तुम
कुछ पल के लिए ऑफिस आकर मुझसे मिल ले सकते हैं? नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ सकती, मैं छुट्टियों पर हूँ और मैं नहीं चाहती कि काम का बोझ मेरा पीछा करे। क्या तुम इनडायरेक्टली मुझसे ये कहना चाहती हो कि छुट्टियों के दिनों में मैं तुम्हारा पीछा न करूं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं प्रीति, मान जाओ कि तुम्हारा यही मतलब था। खामखा झूठ बोल के खुद को और दूसरे को क्यों तकलीफ दे रही हो? अगर तुम्हारे पास जवाब है तो कहो, और अगर नहीं तो फौरन आकर मुझसे मिलो। बाय। तुम्हों का फोन था? हाँ। वो चाहता है कि मैं ऑफिस जाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स उनको नहीं मिल रही है, इसलिए ही वांटेड मी टू कम टू ऑफिस। तो प्रॉब्लम क्या है, चली जाओ। नहीं रवि, मैं नहीं जाना चाहती। अगर मैं आज गई तो छोटी छोटी बातों के लिए मुझे ऑफिस जाते रहना पड़ेगा। अरे बाबा, अगर उसे फाइल्स की जरूरत है तो जाके उसे ढूंढ कर दे आओ ना। नहीं रवि, कम ऑन प्रीति, कैसी बातें करती हो। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं नीचे गाड़ी में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वो फाइलें वाइलें ढूंढ कर उसे दे देना, अपना काम निपटा कर नीचे आ जाना, फिर हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। लॉन्ग टाइम, चल आ जा। पापा। निशा, क्या हुआ बेटा? पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, अभी और इसी वक्त। हाँ हाँ, करते हैं करते हैं, बैठो बैठो। नहीं, मैं अपने मन का सारा बोझ उतारना चाहती हूँ, आप प्लीज दीपक को बुलाओ। हाँ बुलाता हूँ बेटा, पर हुआ क्या? उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं। तो फिर क्या बात है? अरे पहले मुझे तो बताओ बेटे। पापा, जब तक दीपक नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप प्लीज दीपक को बुलाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे लफ्जों का गलत मतलब निकाला जाए। दीपक फौरन यहाँ। मानी क्यों बेटे? नहीं। अच्छा तो बैठो तो सही। मैं नहीं बैठूंगी पापा। वो नहीं रहा क्या? अरे निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ बेटे, अब बताओ क्या बात है? तुम्हें रुलाने के लिए अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम भी वर्मा नहीं। पापा, इसमें आपकी भी उतनी ही गलती है जितनी दीपक की है। क्या आपने दीपक को 50,000 रुपए नहीं दिए प्रिया नाथ को देने के लिए? क्या? आप लोग ये मत समझिए कि मुझे कुछ नहीं मालूम। जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, उस दिन से मैं जानती हूँ कि दीपक और प्रिया का अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हूँ कि शायद मेरी तकदीर में यही लिखा है। निशा, दीपक, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अपनी शादी की इज्जत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे माँ बाप को कोई परेशानी हो, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी सिर्फ इसलिए भुगते क्योंकि उसकी माँ उसके बाप पर काबू पाना चाहती है। मैं बहुत साल खामोश रही, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम सब इसमें शामिल हो, मैं चुप नहीं रह सकी। पर मैं सब में कैसे शामिल हूँ बेटा? आपने दीपक को पैसे दिए और... ये सच है बेटा कि मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो जिद कर रहा था, और इस वजह से उसने मेरे साथ लड़ाई भी लड़ी, झगड़ा किया। कसम खा के कहता हूँ बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि उसने वो पैसे प्रिया को देने के लिए लिए हैं। और ये भी सच है कि मुझे नहीं मालूम था कि शादी के बाद भी आज तक वो प्रिया से मिलता रहा है। लेकिन आप ही बताइए पापा, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा? दीपक, डैड, मुझे नहीं मालूम कि इसको ये खबर कहां से मिली। शादी के बाद तो मैं प्रिया से सिर्फ 2-3 बार मिला। झूठ मत बोलो दीपक, मैं तुम्हें हर वो डिटेल दे सकती हूँ कि तुम प्रिया नाथ को कब, कहां और किस दिन मिले। डैड, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या बोल रही है। हो सकता है कि तुम्हारा जासूस तुम्हें झूठ बोल रहा हो, और तुम कमाल की औरत हो, अपने पति के पीछे तुमने एक जासूस लगा रखा है। एक तो तुम गलती कर रहे हो और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। कोई हक नहीं तुम्हें इस तरह बदतमीजी करने का। बेटा तुम घर जाओ, शाम को मैं मम्मी को लेकर घर पे आऊंगा, वहां बैठकर हम इस मामले को सुलझा लेंगे। और एक बात का मैं तुम्हें वादा करता हूं, आज के बाद दीपक प्रिया से कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो?
तुम आज तक उस लड़की से मिलते रहे हो जिसकी नजर सिर्फ तुम्हारे पैसे पर है। यार अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन उसे कुछ कहने का आपको कोई हक नहीं। वैसे ही आपकी वजह से उसे जिंदगी भर बहुत कुछ भुगतना पड़ा। मेरी वजह से? जी हाँ, अगर आपने मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का मौका दिया होता तो आज मेरी शादी प्रिया से होती और निशा की शादी एक ऐसे आदमी से जो उससे प्यार करता है, जो उसकी खूबसूरती और उसकी महानता की इज्जत करता है। अगर तुम्हारी शादी प्रिया नाथ से हुई होती तो आज तक तुम रास्ते पर आ गए होते, दर दर की ठोकरें खा रहे होते, अब तक तो उसने तुम्हारी रूह को भी बेच दिया होता। जानते हो वो किस किस्म की लड़की है? मैं तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन शायद आप नहीं जानते। उसे जाने बगैर आपने उसके बारे में उल्टी सीधी राय बना रखी। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर मैं प्रिया नाथ के साथ शादी करता तो ना ही वो मुझे अपनी रूह बेचने पर मजबूर करती और ना ही मुझे भिखारी बनाकर रास्ते पर छोड़ देती। भिखारी तो शायद आप बन जाते थे, क्योंकि अगर आपको ये पैसा, ये शानो शौकत, ये इज्जत, ये शोहरत नहीं मिलती, निशा के डैड की तरफ से जो आपको मिली थी, लेकिन शर्त क्या थी? मेरी और निशा की शादी हो जाए। शोमु, I don't believe this. तुम वाकई मुझसे मिलने आ गई? तुमने ऐसा कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया, रवि ने हमारी फोन की बातें सुन ली और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? रवि खुद मुझे यहां लेकर आए हैं, वो गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जाओ और अपना काम निपटा कर चले आओ। और उसको मालूम है कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, काम तुम्हारा था इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। और ये बात मैं रवि से कहने से भी डरती हूँ। प्रीति नैयर, अब इन आंसुओं का असर मुझ पर कुछ नहीं होता। तुम पर किस बात का असर हो रहा है, किस बात का असर नहीं हो रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ शोमू, तुम आजकल बहुत जिद्दी हो गए हो। तुम्हारे अरमान मैं पूरे नहीं कर सकती, इसलिए तुम सजा दे रहे हो मुझे, और यही सजा भुगतने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा पति नीचे गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। अभी थोड़े दिन पहले तक अगर प्रीति शोमू सेन से फोन पर भी बात करती थी तो मैं उसका खून करने को तैयार हो जाता था, और आज वो उससे मिलने ऊपर गई है और यहां मैं नीचे बैठकर उसका इंतजार कर रहा हूं कि वो आए और मैं उसे घर ले जाऊं। पति पत्नी का रिश्ता भी ताश के महल की तरह होता है, बेहद खूबसूरत लेकिन उतना ही कमजोर भी। जब तक दोनों का एक दूसरे पर भरोसा होता है, ताश का महल मजबूती से खड़ा रहता है। लेकिन अगर उस रिश्ते में शक का हल्का सा झोंका भी आता है तो ताश के पत्तों का वो महल रेत के ढेर की तरह भरभरा के गिर जाता है। वो मुझ पर बहुत भरोसा कर रहे हैं शुभ। जब वो मुझ पर शक कर रहे थे तब अगर हमारा अफेयर होता तो उसकी इतनी बेइज्जती नहीं होती, लेकिन आज जब वो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो उनकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी शुभ। क्या ये जायज है? जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो जायज नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है अगर तुम मुझे जिम्मेदार ठहराते हो तो मुझे माफ कर दो, मुझे हर किए की सजा दे दो, लेकिन प्लीज रवि के साथ नाइंसाफी करने के लिए मत कहना। मैं जानती हूं कि तुम्हारे दुख और हर तकलीफ की जिम्मेदार मैं हूं, मुझे तुम्हारी हर तकलीफ में तुम्हारा साथ देना चाहिए, लेकिन रवि ने क्या किया है? उसने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर तुम उसे किस बात की सजा देने पर तुले हो? मुझे जो करने को कह रही हो वो कभी रवि से कहा है तुमने? रवि से कभी तुमने कहा है कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दे और मुझे बख्श दे? बात यह है शोमू, मुझे तुम दोनों में से एक को चुनना है और मैंने रवि को चुन लिया है। तुम्हें तकलीफ देने से ज्यादा मुझे रवि को तकलीफ देने में पाप लगेगा। तो फर्क क्या है इसमें? फर्क यह है कि मैंने रवि से शादी की है, उसके साथ फेरे लेते वक्त मैंने कुछ वादे किए थे और शोमू मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था।
ठीक है, जाओ नीचे, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गेट आउट। शोमू प्लीज। प्रीति तुम यहां से चली जाओ। शोमू मेरी बात समझने की कोशिश करो। चलो रवि चलते हैं। अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो भाई? गुस्से में नहीं तो मैं क्यों गुस्से में होंगी? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। दो फाइलें जो इन लोगों को नहीं मिली, दो फाइलों की वजह से मुझे यहां तक आना पड़ा। तुम्हें मालूम है मैडम, जब तुम गुस्से में होती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम मुझसे नाराज ना हो। तुम चलते क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे शांत हो जाने का इंतजार कर रहा हूँ। जब तुम गुस्से में होती हो ना प्रीति, और अपने आप को काबू में लाने की कोशिश कर रही होती हो, तो ऐसा लगता है कि एक तूफान आया था, अब धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। और ऐसे मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम्हारी शक्ल देखूंगा, तो दोनों जल्दी से जल्दी वहां स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। एक्चुअली रवि, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं शोमू से मिली? अगर मिली तो फिर उसके साथ क्या बातें हुई, यही ना? बात बिल्कुल उल्टी है। मेरे जहन में तो शोमू सेन का ख्याल तक नहीं आया। शोमू सेन तो तुम्हारे ब्यूटीफुल दिमाग में घूम रहा है। अब जो कहना है वो कह डालो और ये बात खत्म करो। क्या कहूं मैं तुमसे? तुम मुझसे झगड़ा करने के मूड में हो ना? ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? क्योंकि मैडम मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं ये भी जानता हूँ कि जब तुम ऑफिस में गई थी, वहां पे अपने डेस्क के ऊपर इतना बड़ा ढेर पाया तुमने फाइलों का, तो तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। अब क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था, तुम्हारा काम खत्म नहीं हो पाया, वरना 3-4 घंटे में तुम सारा काम निपटाकर घर चली आती, है ना? रवि प्लीज, तू मेरे मन की बात जानने की कोशिश मत करना। ओफो प्रीति, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाह रहा। मैंने तो बल्कि तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं जिंदगी भर तुमसे झगड़ा नहीं। हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, इन छोटे मोटे झगड़ों में बर्बाद करने के लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट हो तुम और मैं, और कोई बात हमारे लिए मायने नहीं रखती। और ये जो हमारा काम है, तुम्हारा काम मेरा काम, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काम हम दोनों को एक दूसरे से उतना ही दूर रखेगा जितना जरूरत, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के करीब आने में भी मदद करेगा। अब तुम चाहो तो अपना काम खत्म कराओ, फिर घर चलते हैं, या मैं घर चला जाता हूं, तुम बाद में आ जाओ। नहीं, मुझे घर जाना है। शो से अपना मुंह छुपा रही हूँ। हाँ, ऐसा क्या किया तुमने? क्योंकि आज मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी की है। एक्सपेक्टेड क्या? समझ में नहीं आता कि तुमसे कहूँ कि ना कहूँ। मेरी चुन्नी मुन्नी, तू मेरी छोटी बहन है, तू मुझे कुछ भी कह सकती है। सुनोगी तो शॉक रह जाओगी। शॉक? आज शनिवार को शॉक लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉक तो बहुत दूर की बात है। अरे बड़े बड़े शॉकिंग न्यूज से मैंने पलके भी नहीं झपकाई है। तो बोलू? हाँ, मैंने जाकर डॉक्टर दिवाकर जोशी से कह दिया। क्या? कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। और सुनो, अरे आयशा, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें किसी भी बात से शॉक नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता शॉक, बिल्कुल नहीं लगता। तुमने सचमुच ऐसे किया? हाँ, कम से कम ये तो पूछो कि उसके बाद मैंने क्या किया। जाके उसके बाहों में जाके समा गई होगी। नहीं, मैं वहां से भाग आई। अच्छा, क्यों क्यों? क्योंकि जाने दो, अब तो मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। क्यों? अब वो मुझ पर हंस रहे होंगे, अब क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं उनके सामने। हाँ, आई स्वेर, क्या करूं मैं? ये मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है? हाँ। अरे तो चलो उसको फोन करते हैं। नहीं नहीं, अरे नहीं, क्यों? कोई भी नाम लेके उससे बात करेंगे ना, जान तो ले।
आखिर उसके मन में है क्या? हाँ एक बार पर... ना अरे उठ और सुनो आयशा चलो ना नहीं वो फिर नहीं आयशा प्लीज चलो ना नंबर बदल नंबर बदल आयशा अच्छा ठीक है बाबा तुम डाल दो आप डाल दो ना चालू है फ्रिज तो चालू है लेकिन आप कौन बोल रहे हैं कुछ बोल बता तो क्या बोले हेलो तो मैंने कहा आपका फ्रिज चालू है तो उसने कहा हाँ लेकिन आप कौन बोल रही हैं बहुत से हेलो तुम्हारे घर में पानी है या नहीं आप कौन बोल रहे हैं मेरा नाम जान के क्या करोगे जाने मर सिर्फ ये तो बता दो कि तुम्हारे घर में पानी है कि नहीं उन्होंने फोन रख दिया तुम तो ग्रेटर जाने वाला नाम अभी मैं वापस ट्राई करूंगी क्या पूछोगी तुम मैं पूछूंगी हेलो आपके घर में बिजली है या नहीं बिजली तो तुम दोनों के सर पे गिर गई अब दादा बिजली की बाबा बिजली बिजलानी संगीता बिजलानी हाँ वो अजरुद्दीन फोन पर था ना तो हमसे फिर क्या पूछ रहे थे कि संगीता बिजलानी ठीक है या नहीं चलो जाओ अपने कमरे में जाओ अजरुद्दीन का फोन था